कहा जा सकता है इरफान साहब, आपको इतना ही इस पर गर्व था तो क्यों नहीं क्वेश्चन डाले आप? डालना चाहिए। बोलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री चंपई सोरेन जी बोल रहे थे कि उत्तर अस्पष्ट है, माननीय विधायकों के अनुशंसा पर ही होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार 26 साल से ऊपर से विधायक हुए थे महोदय। इस 26 साल में मैं 5 साल मंत्री भी रहा अध्यक्ष महोदय, 3.5 साल मैं स्पीकर भी रहा अध्यक्ष महोदय। हमारी भी सरकार मैंने देखा है, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार हमने देखा है, अर्जुन मुंडा जी की सरकार देखा है, रघुवर दास जी की सरकार देखा है अध्यक्ष महोदय। इस 26 साल में आज तक कभी किसी अधिकारी ने फोन तक नहीं किया या हमारे पे कोई चिट्ठी नहीं आई कि आप इसके लिए अनुशंसा दे दीजिए अध्यक्ष महोदय। अब पता नहीं आप स्पीकर हैं अध्यक्ष महोदय तो आता होगा आपके पास, आप 2014 में भी थे अध्यक्ष महोदय और मेरे ख्याल से 2005 या 9 में भी थे, आपके पास भी तो आता होगा ना अनुशंसा के लिए चिट्ठी अध्यक्ष। अभी आता होगा डर से कि स्पीकर है? नहीं, पहले भी आता। पहले आया है क्या? पहले भी आता था, लिखते थे हम। हमको तो नहीं आया अध्यक्ष महोदय। आप ऐसा कीजिए ना, आपका कल्याण विभाग का जो भी है आप एक बार रिकॉर्ड चेक करा लीजिए कि सीपी सिंह से कभी हमारे हमसे अनुशंसा मांगा गया है क्या अध्यक्ष महोदय? चलिए देखिए, मेरा स्पष्ट कहना अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न ये नहीं उठता। मैंने बनाया रांची के अंदर गुमकुड़िया भवन, अपना विधायक फंड से अध्यक्ष महोदय बनवाया, मैं घेराबंदी किया है, करवाया है इसका, क्या मसला का घेराबंदी करवाया अध्यक्ष महोदय, अपना फंड से करवाया अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज तक नहीं आया कि आप जो है सो अनुशंसा पत्र दीजिए। तो मैं ये कहूंगा अध्यक्ष महोदय माननीय, जैसा अभी प्रदीप यादव जी ने भी कहा है कि यदि आप चाहते हैं कि विधायकों के अनुशंसा के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो प्राथमिकता के आधार पर, चाहे मसना हो, हरगड़ी हो, चाहे सरना स्थल हो, प्रार्थना भवन हो, जो भी नाम है उसका निर्माण हो, इसमें आपको करने में क्या आपत्ति है? जो बार बार बोल रहे हैं अस्पष्ट है, मैं तो कह रहा हूं आपका उत्तर अस्पष्ट है। चलिए माननीय मंत्री जी, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, सब बात तो आ गया। महोदय, हमने उसी भी आपको तकलीफ लगता है, हर चीज में अस्पष्ट है, शंका व्यक्त होता है, साथ जी शंका व्यक्त। हमने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा और यह भी स्तर में दिया गया है कि संसद भी खाली विधायक नहीं, संसद भी है उत्तर में, कि संसद विधायक का अनुशंसा को प्राथमिकता दिया जाता है, इसमें कहा हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उसमें ही बिचौलिए हर जगह क्या, ये क्या 35 हो गया क्या ये बोलना? इसीलिए हम समझते हैं इस तरह से नहीं होता है, है ना? अपना अनुभव ही कोई बता रहा है। चलिए, इसीलिए सब प्रतिनिधि का ही हम लोग करेंगे और हम समझते हैं भानु बाबू जो बात उठाया है और ये पूरा राज के अंदर में खाली शेड्यूल एरिया का जिला है।